अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच वीडियोस को लाइक करने के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को तो कर लें फटाफट से सब्सक्राइब। अच्छा, अभी हम लोगों को जाना था मार्केट, थोड़ा सा हम लोगों ने कहा ठंडा वेदर हो जाए तो फिर जाते हैं। और मार्केट जाने से पहले जो है हम लोगों ने सोचा खाने पकाने में भी इतना जो है वो टाइम वेस्ट करने का या थकने की क्या ज़रूरत है, तो हम लोग जो है KFC से ऑर्डर कर देते हैं खाना। और रायन के लिए क्योंकि मैकडोनल्ड जो है वो तो लेना ही था, तो साथ ही में जो KFC का टेस्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर्स हैं ना वो इतने मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे पर्सनली अपने खाने के लिए KFC ज़्यादा पसंद है। तो हम क्योंकि तीन ही लोग घर पे होते हैं तो इसीलिए हम ये डील मंगवा लेते हैं, हमारे लिए जो है वो इनफ होती है, मज़ा भी आ जाता है और टेस्ट भी जो है ना इसका बहुत अच्छा होता है और मेहनत भी जो है वो नहीं लगती है। तो ये है इनका जिंगर बर्गर जो कि बड़ा ही ज़्यादा जो है वो मज़े का है, और बहुत मतलब टाइम तरसने के बाद जो है मुझे KFC का ओरिजिनल वाला जो जिंगर है वो खाने को मिला है, क्योंकि यू नो USA में तो जो है ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। साथ ही में यहाँ पर दो अदद जो पान है वो मंगवा लिए थे, क्योंकि हम लोग जो है कभी कभार पान खाना जो है वो पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने मंगवा लिया था ऑटो, क्योंकि गाड़ी जो है स्टिल घर पे नहीं थी, और वैसे भी हम लोग जो है ना बहुत टाइम लगाती हैं शॉपिंग पे, तो घर वाले कहते हैं पहले तुम्हें छोड़ने जाएं फिर तुम्हें लेने जाएं, तो चले खुद जाओ और वापसी पर जो है तब तक भाई लोग भी आ जाते हैं, पापा भी आ जाते हैं, फिर वापसी में हम उनको कॉल कर देते हैं और वो जो है हमें लेने के लिए फिर वापस आ जाते हैं। और अभी हम लोग जा रहे थे शॉपिंग पर, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे भाई की शादी है और शॉपिंग्स के जो सिलसिले हैं वो सब स्टार्ट हैं, और इस टाइम को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। शादी से पहले जो शादी की शॉपिंग्स होती है ना उनको, और रायन जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है और इसको मैं अगर घर छोड़ के जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। आज शाल जो है वो घर पे है और रायन जो है ना वो हमारे साथ जा रहा है मार्केट, और रायन ने भी जो है ये फर्स्ट टाइम के पता नहीं सेकेंड टाइम जो है इसका ट्रैवल किया है जो ऑटो रिक्शा होता है, और मुझे खुद भी अच्छा लगता है ऑटो रिक्शा पर जाना। बल्कि मेरी सिस्टर कह रही थी हम कैब मंगवा लेते हैं या कोई और ऑर्डर कर लेते, तो मैंने कहा नहीं यार ऑटो रिक्शा पर जो है वो जाते हैं। ये भी वैसे ऊबर वाला जो है ना वो ही था ऑटो रिक्शा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए जूते वगैरह देखने के लिए, तो ये जो मेरी सिस्टर ने जूता पहना हुआ है ये बहुत अच्छा लग रहा था, और शादी के लिए अभी तक मैंने ड्रेस पहननी कौन सी है तो कुछ भी जो है वो डिसाइड नहीं किया है, अभी बस जो है आम शॉपिंग चल रही है, और जो मैंने अभी तक कपड़े पहने हैं मैंने अभी तक अपना कुछ भी जो है वो चूज़ नहीं किया है, और मैं वही सोच रही थी कि पहले मैं कपड़े सिलेक्ट कर लूँ अपने और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर जूते लेंगे। एक ये भी कैजुअल सा जो है अच्छा लग रहा था, और वैसे जूतों की जो प्राइस हैं मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा महंगे नहीं लगे, 1500 से 2000 की रेंज में आपको जो है अच्छा जूता मिल जाता है। ये वाले जितने भी लगे हुए थे ना ये इनकी थी 1500 से लेके और 2000 तक इनकी रेंज थी। ये जो फ्लैट वाले हैं और जो नीचे वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं और ज़्यादा फैंसी हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा प्राइसेस हैं, लेकिन ये जो नीचे वाली रो नज़र आ रही है ना, ये जो अभी मैं आपको जूता दिखा रही हूँ ये वाला था 1500 का, और इससे ऊपर जो थे ये ऑलमोस्ट 2000 के थे, और जो इससे ऊपर है जो लॉन्ग हील है वो वाले जो थे थोड़े से एक्सपेंसिव थे। और आप लोग भी जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो आप लोग भी सब मुझे बताना कि क्या ये जो प्राइस है इन जूतों के हिसाब से ये परफेक्ट है। और साथ ही में मैंने आप लोगों से एक बात पूछी थी कि अगर आप लोगों को कोई अफोर्डेबल और अच्छी कपड़ों की जूतों की शॉप्स का पता है जहाँ से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हों तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उसके बाद फैंसी सूट लेने के बाद उसके अलग से बहुत ज़्यादा जो है वो झंझट होते हैं, क्योंकि दुपट्टे के 4 साइड जो है वो पीको करवाएं, और कोई आजकल तो वैसे लेसेस जो है वो ट्रेंड में है और लेसेस के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा यानी कि महंगे हो गए। एक दुपट्टे के मैंने चारों तरफ लगवाने की सोची थी तो वो 250 से 300 रुपीज़ की जो थी वो 1 गज़ थी, तो मतलब पूरे दुपट्टे पे अगर लगती तो आप सोच लें तकरीबन 7.5-8 गज़ जो है एक दुपट्टे पे लगती है, तो वो मेरे ख्याल से कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगा हो जाता है। फिर उनकी लगवाई भी होती है तो खाली दुपट्टा ही दुपट्टा जो है ना वही आपको जो है 2 से 3 हज़ार रुपये में सिर्फ दुपट्टे की जो पाइपिंग है वो लगाई जाती है, जो कि थोड़ी सी अच्छी है, मतलब जो हैंग वाली जो होती है ना वो, और अगर आपने बिल्कुल सिंपल सादा सी लगानी है तो वो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ की जो है दुपट्टे के चारों साइड पर जो है वो लगती है, जो कि मुझे पर्सनली लग रहा था कि थोड़ी सी जो है ये प्राइसी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्रेसेस जो हैं वो लिए थे, और उनके साथ यहाँ पर हम मैचिंग सेंटर में आ गए थे, क्योंकि ये भी होता है पहले सूट खरीदो फिर उसके साथ की शमीज़ें लो फिर उसके साथ मैचिंग में जो है हो शलवार लो,
तो ये सब कुछ भी जो है ना काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। और आजकल फैंसी सूटों के नीचे जो है ये सब चीजें आपको लेनी ही पड़ती है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना आपको सूट नहीं मिलता, वो सिर्फ सूट दे देते हैं। बाकी शलवारें भी खुद मैच करो और शमीज जो है वो भी खुद ही मैच करो। तो यहाँ पर हम लोग वो ही करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर हमने काफी सारे सूटों की जो है शलवारें और शमीजें मैच करवानी थी। और यहाँ पर बड़े डिफरेंट डिफरेंट से कलर और डिफरेंट डिफरेंट से जो है वो स्टफ थे। खैर ये एक डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये कोई शलवार या शमीज का तो नहीं था, ये सिंपल कमीज थी, लेकिन इसके ऊपर जैसे सिंपल सी ये बूटी बनी हुई थी और बड़ा अच्छा लाइट सा सीक्वेंस का जो है ना वो काम लग रहा था। और इसके दो शेड ये थे, एक मैरून सा था और एक रेड था, और इसके साथ ही में एक ये ग्रीन कलर का भी शेड था जो कि बहुत ही जो है ना प्रीटी लग रहा था। और इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थे और मेरा काफ़ी दिल हुआ कि ये जो है ड्रेस ले लेते हैं, लेकिन फिर ये कि उसको पहले टेलर के पास जाओ सिलवाओ, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया ये वाला ड्रेस। और उसके बाद बाज़ार जाएं और आपको भूख ना लगे, हमारे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, या शायद एक जहन बना होता है कि यहाँ से जाके और हमने ये चाट वगैरह जो है वो खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, या ये जो बर्गर अंडा वाले जो शामी बर्गर होते हैं ये खाने हैं। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये चिकन बर्गर था जो कि बड़ा ही मज़ेदार था, और इतने अरसे के बाद मैंने अभी जो है ये खाया तो मुझे मतलब बहुत मैंने इंजॉय किया। साथ ही में ये लेने का हमारा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन रायन ने देखा किसी को ये खाते हुए और उसने कहा कि मामा मुझे ये लेना है और मैं ये खा लूँगा। और जैसे इसने इसकी एक बाइट ली तो उसको जो है ये पसंद नहीं आई और उसने वहीं पर ही जो है वो छोड़ दिया। तो खैर खाने पीने के बाद जो है हम लोग दोबारा से अपनी शॉपिंग की तरफ आ गए थे, और मेरा दिल कर रहा था चूड़ियाँ वगैरह जो है वो लेने का। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर बता रही थी कि इस शॉप से बहुत अच्छी जो है वो चूड़ियाँ मिलती हैं और बड़ी कलरफुल कलरफुल सी लग रही थी। और वैसे भी मैंने बहुत अरसे से चूड़ियाँ वगैरह पहनी भी नहीं है, और अभी हम लोग घर में एक छोटा सा जो है फंक्शन अरेंज कर रहे हैं तो उस पर मैंने कहा था कि चलो मैं पहन लूँगी, मेरा दिल भी कर रहा था चूड़ियाँ पहनने के लिए। तो यहाँ पर बड़े डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट कलर्स की जो है वो चूड़ियाँ आई हुई थी। खैर मेटल में जो चूड़ियाँ हैं मुझे पर्सनली वो अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर चूड़ियों के भी जो प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट 300 की दर्जन या 250 की जो है वो एक दर्जन चूड़ियाँ थी ये वाली। और अगर आप दो के पता नहीं चार कड़े लेते हैं तो वो आपको 300 रुपीज़ में जो है वो मिलेंगे। और उसके बाद दोबारा से जो हमारी शॉपिंग का सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर भी कुछ कपड़े जो है वो देख रहे थे। तिल्ले के काम वगैरह जो है ना ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, और हम लोग ज़्यादातर ऐसे ड्रेस लेने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं जो बाद में ख़राब ना हो, क्योंकि मेरी शादी को मैंने बताया अभी बहुत अरसा नहीं हुआ है, 5 साल ही हुए, और मेरे जो कपड़े थे वो सारे के जो हैं काम कुछ के काले हो गए, कुछ ख़राब हो गए। और आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी अच्छी जगह से नहीं, मैंने लिबर्टी से खुद हैंडमेडेड जो है वो काम करवाया, वो भी ख़राब हो गए, और जो लोकल मार्केट से जैसे आम अनारकली या इछरा से लिए हैं तो वो भी ख़राब हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये कपड़े जो है ना ये ख़राब हो ही जाते हैं, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि अभी जो है वो कुछ ऐसे ड्रेसेस लें जो इतनी जल्दी ख़राब ना हो, या जिसमें जो कोरा है वो अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ हो, ताकि जो है ना थोड़ा टाइम चलें, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये कपड़े यूज़ में आते नहीं हैं। जाहिर है आप इन कपड़ों को लेते साथ ही फैंसी कपड़े जो है वो मतलब नहीं के फ़ौरन जो हो यूज़ कर लो, ये कपड़े रखे भी रहते हैं, कोई फंक्शन आता है कोई ओकेजन आता है तो फिर जो है बंदा सिलवाता है। तो बस हम लोग इसी कन्फ्यूजन में थे कि इस किस्म के कपड़े लें जो जल्दी जो है वो ख़राब भी ना हो और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो हमारे चले। और जब भी आप किसी भी लोकल मार्केट में जाते हैं तो लोकल मार्केट में एंटर होते साथ ही आपको इस तरह की प्यारी प्यारी सी जो शॉप्स हैं वो ज़रूर नज़र आती हैं, जहाँ पर के मेहंदी से रिलेटेड जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्यारी प्यारी बास्केट्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं भी देख रही थी कि दूध पिलाई वगैरह के लिए जो है वो किस तरह का कप होना चाहिए, और बाकी भाई की जो है वो मेहंदी वगैरह जो है वो लेके जानी है या घर में भी करनी हो तो उस हिसाब से उसकी जो है वो क्या क्या जो है वो चीज़ें मार्केट में आई। तो मैं यहाँ पर वही एक्सप्लोर करने आई थी, और सही वाली जो शादी वाइब्स है ना वो इन शॉप को देखते साथ ही आपको जो है ना वो आती हैं, और इन शॉप में एंटर होते साथ ही आपको जो है ना वो सही में जैसे प्रॉपर शादी वाली जो फीलिंग है ना वो आनी जो है स्टार्ट हो जाती है। और बहुत प्यारी प्यारी इतनी खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पर, और ये साइंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, जैसे कि लिखा हुआ है खाला की शादी, तो शादियों पर जो है ना इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब प्रॉपर जो है ना वो मेहंदी मज़े की अगर आपने करनी हो तो हो जाएगी। और उसके बाद घर वापस आए और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो जी एक एक कप जो है वो चाय का आते साथ हम लोगों ने लास्ट में पीना होता है, क्योंकि खाना तो बाहर से खा लेते हैं लेकिन चाय जो है ना वो घर की
ही मज़े की लगती है। और उसके बाद फिर वही जो सिलसिला होता है घर वापस आने के बाद कि जी शॉपिंग जो हो वो दिखाओ, और जो जो सूट मैचिंग करने थे वो सारे खोल के यहाँ पर जो है हम लोग सारी फैमिली मिलकर देख रहे थे कि मैचिंग जो है वो कैसी हुई, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट दो या तीन लोग जाते हैं, बाकी सब लोगों को फिर इस तरह से आके और चीज़ें भी ज़ाहिर है आपने तरतीब से सेट करके रखनी होती है, और फिर घर वालों को भी आपने जो है अपनी शॉपिंग दिखानी होती है। तो यहाँ पर हम भी बैग खोल के बैठ गए थे और सारी जो मैचिंग्स हैं जो अभी हम लेके आए थे वो सारे हमने सेट करके रख दिए थे, टेलर को देने थे, बस वही सब जो है ना यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी। और ये टाइम जो है ना ये बहुत मज़े का मुझे लगता है, और मतलब आपको इस टाइम पे ना मुझे तो सच बताऊँ तो अपनी जो शादी का टाइम है वो भी याद आ रहा था। हर बंदा अपनी अपनी शादी के जो है वो डिस्कस कर रहा था, मेरे टाइम पे ये ट्रेंड था, मेरे टाइम पे ऐसे कपड़े थे, हमने इस तरह के दुपट्टे बनवाए थे, भाभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो बस हम सब मिलके यहाँ पर ये गपशप कर रहे थे, और इस टाइम पर जो है ना वो बहुत मज़ा आता है। और बस यहाँ पर अभी जो है ना सारी समेटा समेटी का टाइम था, और ये सब करते करते ही हमें रात के जो है वो बज चुके थे जी तकरीबन 1:30 से 2, और इस टाइम पर मुझे दोबारा से जो है वो भूख स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर अभी मैं खाने लगी हूँ जी ये KFC के जो है राइस, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में पीऊँगी ड्रिंक। तो यहाँ पर हमारे घर में आजकल जो है ना वो सोने का कोई प्लान नहीं होता है, लेट नाइट जो है वो सभी जागते रहते हैं, 2 बजे 3 बजे समटाइम्स, तो हम लोग 4 बजे जो है वो जाके सोते हैं, और अभी तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम है, लेकिन हमारे घर में ऐसे है जैसे कि दिन निकला हुआ। तो खैर इसके बाद मैं पीऊँगी चाय, और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर करें मुझे फॉलो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।